जब एक दफा पोलैंड की करारदाद फाड़ के फेंक दी गई, उसके बाद अब कोई उम्मीद और आसरा नहीं था इस बात का कि सीज फायर हो, जंग को रोक दिया जाए। और जंग जिस जगह पे है, ढाका उस वक्त तक फॉल नहीं हुआ था और इंडियन आर्मी चारों तरफ से दाखिल हो चुकी थी ईस्ट पाकिस्तान में, और उनका ख्याल यही था कि इंडियन आर्मी फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए आके कैप्चर कर लेगी। वो फौजें जो हमारी मशरकी पाकिस्तान के तमाम महाजों पर बिखरी हुई थी, वो अभी तक अपने महाजों पर लड़ रही थी, किसी एक महाज को इंडियन आर्मी ओवररन करके ढाका की तरफ नहीं आ सकी। वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऊपर से आए और उन्होंने ढाका शहर के ऊपर फिर सरेंडर किया और कैप्चर कर लिया। आए हम आपको कुछ रेफरेंसेस देते हैं इंटरनेशनल मीडिया के, मुख्तलिफ इंडियन सोर्सेज के, जो ये बताएं कि वहां होने वाली जंग में हुआ क्या। जैसे हमने अर्ज किया कि अब उस वाकये को 40 साल हो चुके हैं, उस वक्त भी ईस्ट पाकिस्तान में हाल यह था कि 5-6 करोड़ की आबादी में से करोड़ों लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से प्यार करते थे, पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे, और ये बात डॉक्यूमेंटेड और ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो 1.5-2 लाख दहशतगर्द मुक्तिवाहिनी के, इंडियन आर्मी जिनमें शामिल हो चुकी थी, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने वो गुंडागर्दी मचाई, वो कत्लो गारत मचाया कि वो साइलेंट मेजोरिटी बेचारी कुछ कर नहीं सके। आज भी बांग्लादेश की मेजोरिटी पाकिस्तान से प्यार करने वाली है। पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान की टीम जाती है, जब बंगाल और जब इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला पड़ता है, तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हैं। हमारे दिल बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, हम उनसे अभी भी प्यार करते हैं। वो एक जोश और गलत फहमियां थी जिसके अंदर कत्लो गारत की कुछ लोगों ने, लेकिन ना तो मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान कभी मशरकी पाकिस्तान से नफरत करते थे, ना आज मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान मगरबी पाकिस्तान से कोई गिला रखते हैं। उनके कुछ लोग को शिकायतें जरूर है कि बड़े जुल्म हुए, लेकिन उनको भी डिस इन्फॉर्मेशन और झूठ पढ़ाया गया है, झूठ बताया गया। यह नहीं बताया गया कि इंडिया का रोल और किरदार क्या था। जैसे हमने अर्ज किया कि आज भी वहां पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो इंडिया के स्पॉन्सर्ड, इंडिया जिनको तरबियत देता है, ट्रेन करता है, रुपया पैसा देता है, इंडियन एलिमेंट्स हैं, लेकिन भारी तादाद में वहां लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं और अब इस बात पर नादिम है कि उन्होंने 71 में जो कुछ किया, जो जुल्म उन्होंने किया, जब वो मुक्ति वाहिनी के गुरीले थे, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें से एक साहब जो कि इस वक्त बांग्लादेश के बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड रेनाउंड जर्नलिस्ट भी हैं, आला तालीम याफ्ता शख्स भी हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनका नाम जैनुल आबिदीन है, जो कि 1971 में एक मुक्ति वाहिनी के गुरीले थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की, उस पूरी अपनी जंग आजादी में जिसे वो कहते हैं वो शामिल रहे, लेकिन अब वो क्या लिखते हैं, आइए देखें। उनकी किताब बहुत खूबसूरत, उन्होंने किताब लिखी है रॉ इन बांग्लादेश के नाम से, यानी बांग्लादेश के किरदार में रॉ का क्या, तामीर बंग रॉ का क्या किरदार था, इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैनुल आबिदीन अपनी किताब रॉ इन बांग्लादेश में, इसको गूगल कर लीजिए, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, वो ये लिखते हैं कि द एटीट्यूड ऑफ आर इंडियन हैंडलर्स, अब इसको अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, थोड़ा तर्जुमा कर देंगे कि ये बहुत बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में बंगालियों को ये लेकर इंडिया चले गए थे, जहां पे इंडियन आर्मी ने इनको तरबियत दी, असला दिया, रुपया दिया, पैसा दिया और वापस भेजा। उस ट्रेनिंग कैंप का जिक्र करते हुए कहते हैं द एटीट्यूड ऑफ आर इंडियन हैंडलर्स एंड ट्रेनर्स इंडिकेटेड दैट दे ट्रीटेड अस नॉट एज फ्रेंड्स बट एज एजेंट्स, इंडियंस हमें एजेंट्स की तरह ट्रीट करते थे, दोस्तों की तरह नहीं। और देखिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में इतनी लूट मार की कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो वहां कुछ बचा ही नहीं था, और वहां सारे इंटेलेक्चुअल्स मार दिए, सारे पढ़े लिखे लोगों को खत्म कर दिया, पूरे बांग्लादेश की हर चीज, कीमती चीज उठा के ले गई पाकिस्तान फौज या उसको तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आर्मी के खिलाफ आज तक होता रहता है। आइए देखें मुक्ति वाहिनी का एक पुराना गुरीला क्या कहता है। वो कहता है द रियल फेस ऑफ द इंडियन आर्मी ले बेयर आफ्टर द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस, जो असल नापाक चेहरा था इंडियन आर्मी का वो सामने आ गया जब पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए। व्हेन आई सॉ लार्ज स्केल लूट एंड प्लंडर बाय द इंडियन आर्मी पर्सनल, जब मैंने ये देखा कि पूरे इलाके में, पूरे शहरों में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया भारतीय फौजियों ने। द सोल्जर्स स्वूप्ड ऑन एवरीथिंग दे फाउंड एंड कैरिड अवे टू इंडिया, हर चीज जो उनके हाथ लगी वो उसको उठा के इंडिया ले गए। कर्फ्यू वॉज इम्पोज ऑन आर टाउन, इंडस्ट्रियल बेसिस, पोर्ट्स, कंटोनमेंट, कमर्शियल सेंटर्स, इवन रेजिडेंशियल एरियाज टू मेक द लूटिंग इजियर, हमारे तमाम शहरों में, कंटोनमेंट्स में, इलाकों में, रेलवे स्टेशन पर कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि हिंदुओं को, इंडियंस को लूट मार में आसानी रहे। दे लिफ्टेड एवरीथिंग फ्रॉम सीलिंग फैंस टू मिलिट्री इक्विपमेंट, यूटेंसिल्स टू वाटर टैप्स, उन्होंने हर चीज उठा के ले गए जिसमें छतों के पंखे भी, फौजी साजो सामान भी, बर्तन भी, हत्ता के पानी के नलके भी उतार के ले गए। थाउजेंड्स ऑफ आर्मी व्हीकल्स वर यूज टू कैरी लूटेड गुड्स टू इंडिया, हजारों गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया कि ये लूटा हुआ सामान इंडिया पहुंचाया जाए। चलिए ये मानना नामुमकिन है कि ये सारी लूटमार इंडियन हुकूमत की मर्जी के बगैर हो रही थी। जरा गौर से सुनिएगा ख्वातीन हज़रात, ये एक मुक्ति वाहिनी का गुरीला अपनी किताब में लिख रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब
उसकी आंखों से पर्दे हटे उस वक्त जब इंडियन आर्मी का असल नापाक चेहरा मशरकी पाकिस्तान में नजर आया कि जब उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान की छतों के पंखे तक उतार लिए, नलकों के टैप तक उतार के ले गए कि ये मगरबी पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान के जो आने वाला वक्त है उनका गुलाम बनकर रहे। वो खुद लिखते हैं आगे, इंडियन आर्मी के एटीट्यूड से ये साफ जाहिर था कि वो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ये बात जैनुल आबिदीन लिख रहे हैं। जैनुल आबिदीन लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल वाजे है कि इंडिया ने बांग्लादेश तामीर किया और उसका मकसद ये था कि आगे जाकर इंडिया के साथ इसका इत्तेहाद हो जाएगा और रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी ग्रेटर इंडिया बनाने के लिए उनको एक स्टेप मिल जाएगा। उन्होंने कहा द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर ऑफ दिस हीनियस गेम इज इंडियाज नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस नापाक खेल का सबसे बड़ा किरदार रॉ थी जिसने 1968 में जिसको कायम किया गया और आज भी ईटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की जड़ों को खा रही है, खोखला कर रही है, वो आज भी रॉ है। ये जैनुल आबिदीन लिख रहे हैं, मुक्ति बानी के गुरीले। देखिए ये सबूत आपको हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स कोई नहीं हो सकता कि ये शख्स खुद पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ने में एक मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द के तौर पर उस वक्त जो अपने ख्याल में जंगे आजादी लड़ रहा था। और ये लिखता है अपनी किताब में, आज ये लिखते हैं जैनुल आबिदीन अपनी किताब में कि उस वक्त भी मुझे अच्छे बंगालियों ने कहा था कि अगर तुम मुसलमानों से लड़ोगे, पाकिस्तान तोड़ोगे, पाकिस्तान कितना भी बुरा हो इंडिया से बुरा नहीं है, ये इंडियंस बाद में हमें अपना गुलाम बना लेंगे। और ये लिखते हैं अपनी किताब में कि अब मुझे दुख होता है कि वो सारी बातें मैंने क्यों की जो मैंने 71 में की। फिर एक बहुत बड़ा एक तूफान के पाकिस्तान आर्मी ने 30 लाख बंगालियों को मार के फेंक दिया। ये मुजीबुर रहमान आखिरी वक्त तक किए और ये आज भी जो इंडियन एलिमेंट्स हैं ये प्रोपेगेंडा और खुराफात पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स के ढाका का जो नुमाइंदा है उसका नाम विलियम जे ड्रोमंड है, उसने 1976 में यह रिपोर्ट शाया की थी, यानी लॉस एंजलिस टाइम पर ढाका का नुमाइंदा, वो ये लिखता है, हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहेंगे यहां से, कि बांग्लादेश के वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 1500 अफसरों पर मुकदमा चलाना चाहते हैं जिन पर मार्च की मुद्दत में और दिसंबर के दरमियानी मुद्दत में कत्लेआम करने का इल्जाम है। शेख मुजीब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों को तहतेक किया, इसकी मिसाल नाजी जुल्म के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और 200-400 नहीं बल्कि 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतारा गया। ये शेख मुजीबुर रहमान के अल्फाज, 30 लाख का फिगर याद रखिएगा। और फिर लॉस एंजलिस टाइम्स के नुमाइंदा लिखता है कि दुनिया इस प्रोपेगेंडे को बगैर तस्दीक किए कबूल करती चली जा रही है। वो कहते हैं, वो सवाल ये करते हैं कि सवाल यह है कि यह बात तो बिल्कुल वाजह है कि यह तादाद मुबालगे पर मबनी है, एग्जैजरेटेड फिगर है। फिर वो कहते हैं कि जो नाजी फौज थी, जो नाजी जर्मनी के लोग थे, वो 5 साल में 60 लाख यहूदी भी नहीं मार सके, तो यह कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी फौज चंद माह में 30 लाख बंगाली मार दे, वो फौज जो, और 30 लाख लाशें फिर किधर गई, लाशों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। पूरे खुद ये लिखता है आगे कि पूरे बांग्लादेश में जब इज्तमाई कब्रें तलाश की गई तो उनमें चंद हजार से ज्यादा कब्रें बरामद नहीं हुई, और यह भी वाजह नहीं था कि वो कब्रें मुक्ति बाहिनी वालों ने मारी थी या पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे हुए लोग। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ये कहते हैं कि 1972 में बांग्लादेश कायम होने के बाद एक कमीशन बनाया गया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की निगरानी में, जिसके जिम्मे यह था कि पूरे ईस्ट पाकिस्तान से लोग आकर उस कमीशन के आगे शिकायतें करें कि जिनके लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने मारा। 30 लाख का फिगर शेख मुजीब दे रहे थे। और लॉस एंजलिस टाइम लिखता है कि उस बंगाली कमीशन के सामने सिर्फ 2000 शिकायतें पेश हुई, 2000 लोग गुम थे जिनका अता पता नहीं मालूम हो रहा था, जिनके बारे में शक यह था कि शायद वो पाकिस्तान आर्मी के हाथों मुक्ति बाहिनी के गुरीले होंगे और जंग में मारे गए। कहां 30 लाख का फिगर और उनके लिए शिकायत करने वाले सिर्फ 2000 लोग, और ये बंगाली कमीशन है, इसको रिपोर्ट कर रहा है लॉस एंजलिस टाइम का नुमाइंदा। इसी तरह एक अमेरिकन थिंक टैंक है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स, जिसके अंदर अमेरिका के आला तरीन साइंसदानों ने मिलकर एक थिंक टैंक बनाया है, और उस थिंक टैंक में भी तफसील से ईस्ट पाकिस्तान में रॉ की इन्वॉल्वमेंट, मुक्तिबाहिनी की तैयारी और किस तरह मुक्तिबाहिनी के जरिए उन्होंने गद्दारियां और बगतें बर्पा कराकर पाकिस्तान को तोड़ा, उसके पूरे बारे में एक इंतहाई तफसीली आर्टिकल्स मौजूद है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की वेबसाइट पे या उनके जो आर्काइव्स हैं उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत जो ईस्ट पाकिस्तान का एनालिसिस, उसमें एक बात बड़ी अहम नजर आती है। वो लिखते हैं कि इट वॉज रॉ
that was behind the hijacking of an Indian airliner to Lahore in 1971, attributed to the Kashmiris to give up a terrorist dimension to the Kashmiri national movement. 1971 में जिस हमने गंगा जहाज का जिक्र किया था कि कश्मीरियों ने इसको अगवा कर वो लेकर आ गए लाहौर में,